गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजना यानी पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करेंगे। फाइव ईयर प्लान, तो ये क्या है कि भारत में क्या है, कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई, कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। इन योजनाओं के द्वारा क्या है, व्यक्ति का विकास किया जाता है। यह योजनाएं क्या करती हैं, यह सभी समुदाय के लिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए चलाई जाती हैं। यह योजनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और इन योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। इन योजनाओं से क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, वो जुड़ा हुआ होता है। यह योजनाएं क्या है, अलग अलग स्तरों पर होती हैं, परंतु क्या है, प्राय प्रत्येक स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अलग अलग लेवल पे ये स्टार्ट होती है, लेकिन क्या है, जो हर एक लेवल है वो क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यह स्तर सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और क्या करते हैं, लोगों का विकास करते हैं। सभी की समस्याओं का समाधान सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और क्या करते हैं, सभी के विकास की बात करते हैं। विकास के लिए क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। भारत आजाद होने के बाद क्या है, कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई। भारत जब 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, तब भारतीयों की स्थिति अच्छी नहीं थी। आप सभी ने सुना होगा कि उस टाइम पे क्या है, सभी लोगों की जो स्थिति थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी। वो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, बीमारियां व अशिक्षा फैली हुई थी उस समय। लोगों के पास क्या नहीं था, अनाज तक भी नहीं था खाने को, अनाज भी नहीं था। और क्या है, भूखमरी हो गई और कई प्रकार की जो मैंने बताई समस्याओं से वो क्या थे, जूझ रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति की आय बहुत कम थी और किसी भी व्यक्ति के पास पैसे जमा होना मुश्किल था, क्योंकि पैसे जमा होने का तो मुश्किल सवाल ही नहीं उठता। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या था, जमा करने के लिए अतिरिक्त धन नहीं था। देश की 3/4 आबादी गरीब थी और प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक स्तर क्या था, गिरा हुआ था। महिलाओं की स्थिति अत्यधिक खराब थी। अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या है, विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, कोई भी विकास उन्होंने नहीं किया। वे भारत से कच्चा माल क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और अपने देश में क्या करते थे, कच्चा माल वहां पर उसको उसके प्रोडक्ट बनाए जाते थे कच्चे मालों का, और यहाँ से जब वो खरीदते थे तो कच्चा माल क्या है, बहुत ही कम कीमत पर वो खरीदते थे और अपने देश में ले जाते थे। जहां वहां वह क्या करते थे, माल तैयार हो जाता था और वापिस क्या करते थे, माल तैयार करने के बाद में वो वापिस ही भारत आते थे और उसको दोगुनों मूल्य पर, दुगने मूल्यों पर उनको क्या बेचते थे, दुगने मूल्य पर उनको क्या करते थे, बेचते थे। इससे क्या था, देखो कच्चा माल यहीं से कच्चा माल खरीदा इंडिया से,
और अपने देश में बनाकर और यहाँ पर वापस आकर उन्होंने क्या किया, दुगने रेटों में उस सामान को यहाँ पर बेचते थे। यही कारण था कि स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा था। इसी समय पर क्या था, स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा था कि भी स्वदेशी आंदोलन ने इसी समय पर क्या था, जोर पकड़ा था और अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था कि अंग्रेजों अब यहाँ भारत से छोड़कर चले जाओ, ये नारा आरंभ हुआ था। और अंत में अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत छोड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत रूस गए। जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए, वो सोवियत रूस गए। सोवियत रूस गए वहां पर पंडित जी, तो उन्होंने वहां पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कर दी। भारत में नियोजन की तरफ यह पहला कदम था। यह योजना 5 वर्ष के लिए चलाई गई। कितने सालों के लिए चलाई गई, 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर के लिए चलाई गई। और यह योजना लगातार काम कर रही है और अब तक भी क्या है, ये योजनाएं चल रही है। जो पहली जो योजना थी, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और वो क्या गए, सोवियत रूस गए। वहां पर आने के बाद उन्होंने क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। तो वहां पर आने के बाद क्या है, इस योजना की शुरुआत 1951 में पहली योजना शुरू हुई, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्लान की शुरुआत हुई। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। यह योजना कब खत्म हुई, 1956 तक। और जो ये थी कब तक चली, 1956 तक पहली योजना। फिर इन्होंने 1961 से 1966 तक चली। तीसरी इन्होंने कर दी 1961 से 1966 तक, यानी 1956 से कौन सी कर दी, 61 तक दूसरी कर दी। और 61 से इन्होंने कौन सी कर दी, 1966 तक क्या है, इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। यह 1966 से 1969 तक नियोजन की अवधि स्थगित कर दी गई थी। एक तरफ के लिए, एक बार के लिए क्या है, ये क्या है, जो 1969 सॉरी 66 से लेकर 1969 तक यह योजना एक बार के लिए थोड़े समय के लिए रोक दी गई। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। इस अवधि को क्या कहते हैं, योजना अवकाश। योजना अवकाश भी कहा जाता है। तो योजना अवकाश भी कहते हैं। इसी मात्र एवं पंचवर्षीय योजना बनाई गई और चलाई गई। और उसके बाद क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना चली, फिर पांचवी चली, चौथी चली 1969 से 1969 से कब तक चली, 1947 तक चली। पंचवर्षीय योजना क्या है, 1947 से कब तक चली, 79 तक चली। मगर यह योजना वास्तव में 1978 तक ही चली। तो वास्तव में जो ये योजना बनाई गई थी वो कब तक चली, 1979 तक ना चलकर वो 1978 तक ही चली ये वाली योजना। इसी कारण था कि सत्ता में, इसका कारण क्या था,
इस समय पर क्या है, सत्ता में परिवर्तन आ गया। सत्ता में परिवर्तन के कारण, ये योजना 1979 तक ही चली। फिर इसके बाद क्या है, ये इस समय क्या हुआ था, कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पर, कौन था, इंदिरा गांधी थी श्रीमती, इंदिरा गांधी। सरकार के द्वारा यह योजना 5 वर्ष तक नहीं चला पाई क्योंकि भारत में जनता सरकार की जीत हुई थी। पहले कांग्रेस सरकार थी, फिर क्या आ गई, जनता सरकार आ गई। जिस समय जनता सरकार आने के बाद क्या हुआ, जिसमें कौन थे, मोरारजी देसाई, थे वो, क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। उस समय 1978 से 83 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए छठी योजना बनी। जो सिक्स्थ बनी थी, जो पंचवर्षीय योजना, वो कब से लेकर कब तक बनी, 1978 से लेकर वो क्या है, 83 तक 5 वर्ष के लिए अवधि, छठी पंचवर्षीय योजना बनी। मगर यह योजना भी 5 वर्ष तक नहीं चल पाई। ये भी क्या है, 5 वर्ष तक नहीं चल पाई। 1980 में सत्ता का परिवर्तन हो गया, यानी चलनी तो 83 तक थी, लेकिन 80 में ही क्या हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया। सत्ता का परिवर्तन हो गया और केंद्र में कांग्रेस सरकार ने वापसी कर ली। वापस कौन आ गया यहाँ पे, कांग्रेस सरकार क्या आ गई, वापिस आ गई यहाँ पर। और फिर क्या कर दिया इसने, कांग्रेस सरकार वापस आकर इस योजना को स्थगित कर दिया। और फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 तक फिर उन्होंने क्या किया, ये तो इन्होंने स्थगित कर दी, और फिर सिक्स्थ जो बनाई थी उन्होंने कब से कब तक बनाई, उन्होंने 80 से 85 तक, 1980 से 85 तक उन्होंने क्या बना दी, अगली पंच पांच जो छठी थी वो छठी पंचवर्षीय योजना 85 तक बना दी। फिर सातवीं वर्षीय योजना थी वो कब से कब तक बनाई, 85 से लेकर 90 तक बना दी। 85 से लेकर 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना बनी। और उसके बाद क्या है, नब्बे से इक्यानवे, 90 से 91 से तथा 91 से 92 यह योजनाएं चली। ये योजनाएं कब से कब तक चली, 92 से 97 तक ये योजनाएं चली। फिर क्या था, 92 से 97 तक आठवीं योजना चली, ये क्या है, एट थी। 92 से 97 आठवीं थी, और 1997 से 2002 तक नौवीं, 1997 से 2002 तक कौन सी थी, नौवीं, 9th पंचवर्षीय योजना थी। और 2002 से, 2002 से 7 तक 10वीं थी, 10th पंचवर्षीय योजना थी। और 2007 से, 2007 से 12 तक कौन सी थी, 11वीं थी, 11th थी। और 12th कौन सी हो गई, 12 से लेकर 11वीं हो गई, 2007 से 12 तक। 2017 से 13वीं योजना चल रही है, 2012 से 17 तक कौन सी चली, 12th चली। 2007 से 12 तक कौन सी चली, 11वीं चली। और 2012 से 17 तक कौन सी चली, 12वीं चली। और 13वीं कब से कब तक चली, 17 से। अब आप कैलकुलेशन करो कितने हो जाएंगे,
अब जो ये 13वीं पंचवर्षीय है, 13th जो पंचवर्षीय है, वो कब तक चलेगी? 17 से लेकर 2022 तक क्या चलेगी? 13वीं पंचवर्षीय योजना चलेगी या चल रही है। तो इस प्रकार से क्या थे, हमने एक बार शॉर्ट में बताया कौन कौन सी पंचवर्षीय इंडिया में चल रही हैं, किस किस समय से ये चली थी। अभी हम इनका क्या करेंगे, एक एक करके, वन बाय वन करके, जो 13 है आज तक की जो भी पंचवर्षीय योजना है उनका वर्णन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।